अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी कि U जो यूनिवर्सल सेट है किसका समुच्चय है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोई भी त्रिभुज, वो सारे त्रिभुज का ये सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी कि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसके सभी कोण क्या है 60 डिग्री के हैं कम से कम, यानी समझिए यहां पे U क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, वह U दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है। ठीक है, और A क्या दिया है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से भिन्न हो। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो A के कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये सभी त्रिभुज छोड़ने होंगे जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से कम हो, उसको छोड़ना होगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना होगा, तो 60 डिग्री से कम वाला, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा जिसमें एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा, तो वह सब 60-60 हो सकते हैं, है ना, एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा तो सब 60-60 हो सकते हैं, तभी ना 180 आएगा जी, यानी कि यह कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। तो यहां लिख सकते हैं कि A डैश जो होगा सभी संबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, समझ गया ना, हमने क्या किया, तो इस यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा लिया तो एक का कॉम्प्लीमेंट आ गया, समझ गया ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला